हेलो फ्रेंड्स, मैं उस रोज मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अब से आपको कभी पार्लर नहीं जाना पड़ेगा। आपको भी सुंदर बनना है, आपको भी बहुत ज्यादा गोरा बनना है, तो ये रेमेडी आपके लिए है। तो फ्रेंड्स, आपको कभी भी पार्लर में जाके आपको कभी भी फेशियल नहीं करवाना पड़ेगा। आपको घर में ही अगर कहीं शादी पार्टी है आपके और जाना है, तो आप ये एक बार मेरे तरीके से ये वाला फेशियल जरूर करके जाए। उससे आपकी स्किन इतनी ज्यादा व्हाइट होगी, इतनी ज्यादा चमकेगी कि आप खुद भी देख के हैरान हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा एंड तक देखना। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी ली है, तो यहाँ पे हम लेंगे जो दूध होता है, ताजा वाला दूध, क्योंकि दूध हमें कच्चा दूध लेना है, पका हुआ दूध बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि कच्चा दूध हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो 2 से 2.5 चम्मच मैंने कच्चे दूध के लिए, जो अगर जो जो भैंसों का निकला हुआ दूध होता है वो वाला लेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद होगा, जो ताज़ा दूध जिसको बोला जाता है। यहाँ पे मैंने नींबू लिया है, नींबू की मैंने 5 से 7 बूंदे इसमें डाल दिए, चम्मच में डाली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं चम्मच का जो ये मैंने नींबू का रस डाला था, मैंने दूध के अंदर डाल दिया है। इससे होता यह है कि जो हमारा दूध है वो हल्का हल्का फट जाता है, उससे हमारा दूध गाढ़ा हो जाता है, और जो भी हमारे स्किन के ऊपर छाइयाँ होती हैं, दाग धब्बे होते हैं, स्किन के ऊपर झुर्रियाँ होती हैं, वो ख़त्म हो जाती है, और जो भी गंदगी होती है स्किन के ऊपर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से मिला लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है ना, इससे जो नींबू के रस से बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है ये, तो मैं हाथ पे इस तरीके से लगाऊंगी इसको, तो आपको चेहरे पे, गर्दन पे और बहुत ज़्यादा हाथ पैरों पे लगाना है। इससे आपकी जो ड्राई स्किन है वो भी ड्राई स्किन नहीं होगी, आपकी जो स्किन में बहुत ज़्यादा चमक नहीं होती है, ग्लो नहीं कर पाती है, तो इससे आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका रिजल्ट आपको तुरंत देखने को मिल जाएगा। कहीं पर शादी पार्टी है तो आप इसको ज़रूर, इस रेमेडी को एक बार अप्लाई करना, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, अच्छा होता है, और तुरंत आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाता है एक बार के ही लगाने से ही। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मालिश करना है हाथ पैरों की, और बहुत ज़्यादा ग्लोइंग आपके हाथ पैर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसको लगाने के बाद में आपको मैं दिखाऊंगी अभी एक हाथ में रिजल्ट, दूसरे हाथ में दिखाऊंगी कि तुरंत इसका कितना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं डिफरेंट, देख सकते हैं हाथ में, मैंने इसको सिर्फ एक बार ही लगाया है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा आपको गोरा बना देगा, बहुत ज़्यादा सुंदर बना देगा, सबकी नज़रें आप पे टिकी रहेंगी, कहीं शादी पार्टी में आप जाएंगे इसको लगा करके। तो फ्रेंड्स, हम दूसरी चीज़ क्या लेते हैं, तो बचा हुआ जो दूध है उसको भी काम में लेंगे हम। तो यहाँ पे हम एक चीज़ और इसमें ऐड करने वाले हैं, वो है फेरी लवली, वो भी मार्केट में बहुत ईजली मिल जाती है। तो इससे देखना आपको बिल्कुल पार्लर जैसा निखार आएगा अपनी स्किन के ऊपर, पार्लर का भी नहीं जाना पड़ेगा, आप घर में ही अपना फेशियल कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, आपकी जो चेहरे पे जो थोड़े थोड़े जो लाइनिंग लाइनिंग हो जाते हैं वो भी बिल्कुल भी नहीं होंगी। आप देखना कितना अच्छा इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ऐसे लगेगा जैसे आपकी नेचुरल स्किन हो, आपकी स्किन से कोई भी जैसे बिल्कुल भी अलग नहीं लगेगा कि आपने कुछ अलग से कुछ लगाया है, आपकी जो स्किन होगी वैसे ही आपकी स्किन में मैच कर जाएगा ये रेमेडी। तो फ्रेंड्स, मैंने फेरी लवली को अच्छी तरीके से मिला लिया है इसके अंदर, दूध के अंदर। तो अब इसको हमें अप्लाई करना है, अब हमें लगाना है, बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो यहाँ पे जो मैंने दूध लगा रखा है तो उसको मैंने साफ कर लिया है पानी से, तो अब हम इसके ऊपर ये लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको आप पानी से धो भी लेंगे तब भी इसका जो लगा हुआ है बिल्कुल भी नहीं, इसकी चमक ख़त्म होगी, और इतना वाइटनेस, इतनी ज़्यादा चमक ग्लो रहेगा कि आप ऐसे सब आपको पूछेंगे कि आपने कौन सा ऐसा महंगा फेशियल करवा के आया है कि आपकी स्किन इतनी ज़्यादा वाइट ग्लो कर रही है, और आपके जो स्किन के ऊपर जो भी दाग धब्बे रहेंगे ना बिल्कुल भी नज़र नहीं आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अच्छी तरीके से इसको लगा लिया है और मैंने अच्छे से मसल लिया है, तो इसको इस तरीके से मालिश करनी है इसकी। तो आपको डिफरेंट तो दिख रहा होगा कि मैंने जो मैं इस हाथ में लगा रही हूँ और जो लगाने वाला दूसरा हाथ है, देख सकते हैं कितना डिफरेंट दिख रहा है।
तो फ्रेंड्स एक बार के लगाने से अगर आपको इतना ज़्यादा डिफरेंट दिखता है तो आप दो बार लगा लेंगे तो मैं बता नहीं सकती कि आप कितने ज़्यादा सुंदर दिखना स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी लोग सब तारीफ करना स्टार्ट कर देंगे कि आपने सब कौन सी चीज़ लगाई है बिना पार्लर गए बिना खर्चे की। दूध हमारे सभी के किचन में पाया जाता है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये रेमेडी को आप ज़रूर लगाना। और ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहा जैसे मैंने कोई सफ़ेद वाइट चीज़ लगाई है या फटे फटे जो हो जाते हैं अलग से ही दिखना स्टार्ट हो जाए, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है ऐसे। स्किन में मैच खा चुका है, स्किन में मिल चुका है और देख सकते हैं हाथों में डिफरेंट आपको दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और इस रेमेडीज को ये आप ही सूख जाएगा, आपको नहीं भी धोएंगे तब भी चलेगा और धोएंगे तब भी आप ये चलेगा ये रेमेडी। तो फ्रेंड्स इसको लगाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और आप इतने ज़्यादा सुंदर चमकदार हो जाएंगे, सभी लोग आपकी तारीफ करेंगे। तो आज के लिए